सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पे हो नए तो फटाफट चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्या हुआ, आज भी परेशान बैठे हो? तो परेशानी छोड़ दो यार। जब भी लगे आपको लाइफ में कि ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हर एक स्ट्रगल आपको कुछ न कुछ नया सिखा ही जाता है। तो आज मैं उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ का तो आपको पता ही रहता है कि आप सवेरे ना उठेंगे तो फिर अपने काम ही नहीं आप समय से कर पाएंगे। उठते ही सबसे पहले मेरा ध्यान गया भाई की स्टडी टेबल की, जो हालत हो रखी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हो। सारा लेसन प्लान जो भी है, असाइनमेंट सब स्टडी टेबल पे ही पड़ी हुई थी। उनकी स्टडी टेबल अरेंज करने के बाद से मेरी स्टडी टेबल तो और ब्लंडर हो रखी थी। सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी टेबल को सही किया, और ये रहा मेरा प्रिपरेशन बुक जो मैं नॉसेट का प्रिपरेशन करती हूँ। देन सारी चीज़ों को मैं अरेंजमेंट करती हूँ, सारे को व्यवस्थित रखती हूँ, क्योंकि आप जब भी रात को पढ़ाई करते हो ना, तो आपको स्केजेस हाइलाइटर्स यूज किए बिना पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो वो सारे यूज करने के बाद तो बिखर ही जाते हैं। तो उसके बाद सही करने के बाद मैंने अपने घर के काम फटाफट निपटाया। उसके बाद निपटाने के बाद से मैंने थोड़ा क्या किया कि जो भी खाना बनाना था उसकी मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही थी। और आज का मौसम अर्ली मॉर्निंग में भी इतनी गर्मी है लखनऊ में कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फटाफट मैंने थोड़ा सा वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए विंडो ओपन कर दिया। सारे काम ख़त्म करने के बाद से मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, और देख ही सकते हैं कूलर की हवा भी नहीं असर कर रही है, इतनी गर्मी है यहाँ पे कि क्या बताओ, टेम्परेचर बहुत ही हाई चल रहा है। और पता है आपको, नहाने के बाद भी चेहरे पर देख सकते हो आप कितने पसीने आ रहे हैं, और इतनी गर्मी है। फटाफट तैयार होने के बाद से भाई जो फ्रूट्स लेके आए थे उन्होंने ही फ्रूट्स कट करा। फ्रूट्स कट करने के बाद से फ्रूट खाने के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा मेरा लेट हो चुका था। तो मुझे ऑटो समय से मिल गया था, समय से ऑटो मिल गया था ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ की क्रॉसिंग, अगर मैं थोड़ा सा लेट होती तो पक्का आज भी फंस जाती क्रॉसिंग में। देन उसके बाद मैं आज कॉलेज के पहले ही उतर गई थी, क्योंकि कॉलेज के पास नहीं रुकी। आप ये देख सकते हैं, पहचान रहे हो ना कौन है, सी इज़ माई फ्रेंड सोनम। आज उसका प्रेजेंटेशन था, तो वो उसको साड़ी में आ रहा था। मेरा प्रेजेंटेशन था तो आप लोगों ने देखा ही था कि मैंने साड़ी वेयर करी थी। तो आज इनका प्रेजेंटेशन है, तो आज इन्होंने भी साड़ी वेयर करी है और फटाफट आ रही थी। तो चलिए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। प्रेजेंटेशन है, कैसा फील हो रहा है? डर भी लग रहा है, ये कि पढ़े थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, बाकी अब वो लेसन प्लान मेरा तैयार नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं थी हूँ, क्योंकि कंटेंट मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैं बनाई रही हूँ। मुझे कंटेंट से मतलब था, पढ़ाने से मतलब था। साड़ी अच्छी लग रही है। तो मेरी फ्रेंड की ग्रूमिंग मुझे तो पसंद आई, आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको कैसा लगा। तो फाइनली चलते चलते हम लोग अपने कॉलेज की तरफ पहुँच ही चुके थे, और अर्ली मॉर्निंग में भी इतनी धूप है कि आप देख ही सकते हो। फाइनली कॉलेज के पास पहुँचने के बाद मैंने अपने फ्रेंड का बैग ले लिया था, बिकॉज उसको साड़ी पहन के चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने उसका बैग लिया ताकि वो थोड़ी सी कंफर्ट होके चल पाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे कॉलेज के अंदर। सोना मोटी हो गई है ना, धूप इतनी है कि क्या बोला जाए। तो गाइस हम तो पहुंच चुके हैं अपने कैंपस में। कैंपस में पहुंचने के बाद मॉर्निंग का व्यू तो आप देख ही सकते हैं कितना सुनहरा लग रहा है। फाइनली कैंपस में जाने के बाद सबसे पहले आपको करना पड़ता है अपना बायोमेट्रिक। तो सबसे पहले सोनम ने अपनी बायोमेट्रिक की, उसके बाद से धन मैंने भी अपनी बायोमेट्रिक कर कंप्लीट की। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा फ़ैन के नीचे खड़ी हो जाए, थोड़ा सा उसको कम्फर्ट फील होगा। मेरी फ्रेंड उधर से पानी भर के आ रही थी, उसने अपना बॉटल फिल कर लिया था। अब हम लोग की मैं अपने क्लास के सामने पहुँच चुकी, ये मेरा क्लासरूम है। आफ्टर द इंड क्लासेस आपको बताइए कि हम लोग का फ़ोन सबमिट हो जाता है, इंड द क्लास होने के बाद ही फ़ोन मिलता है। तो फाइनली छुट्टी हो चुकी थी, हम लोग अपने घर के लिए जा रहे थे। ये है कि अब ऑटो तो हम लोग को प्रॉब्लम होती नहीं, ऑटो तो मिल जाती है। हाँ कभी कभार हो जाती है, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती, ईजिली ऑटो मिल जाती है। सुबह में पता है आपको क्रॉसिंग तो लगी नहीं, लेकिन इस समय क्या है कि डबल क्रॉसिंग लग रही है यार, पूरा मूड ऑफ हो गया था बिल्कुल भी। कम से कम 20 मिनट तक मैंने वेट करा, तब जाके क्रॉसिंग खुली, और देख सकते हो आप कितनी भीड़ है क्रॉसिंग खुलने
के बाद, क्योंकि डबल क्रॉसिंग है तो सारी जो है भीड़ क्राउड इकट्ठी होती ही जाती है, तो आप खुद ही देख सकते हो कितनी भीड़ है। बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट हो चुकी थी, तो मैंने ले लिया थोड़ा सा फ्लूड। उसके बाद आफ्टर द रूम पहुंचने के बाद से आपको पता ही है मेरा फेवरेट काम क्या होता है, सोना। तो मैं फाइनली सो गई, देन इवनिंग में मैं उठी तो आप देख ही सकते हो इवनिंग का व्यू। भाई मेरे लिए मार्केट से लेके आए थे फिंगर फ्राई। आज सैटरडे है तो हम लोग थोड़ा फ्री रहते हैं तो कुछ अच्छा ही बना के खाते हैं, तो हम लोग आज बना रहे थे पनीर, क्योंकि अगला दिन संडे है, कल संडे है तो थोड़ा हम लोग भी फ्री रहेंगे। देन आप मेंशन करो आपने क्या खाया आज। थैंक्स टू द वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।